नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये शाम का टाइम है, दिन मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग शाम के टाइम की, जो थोड़ी सी एक होती है ना कि भाई थोड़ा सा सही सा कर दो। सुबह को तो होता ही है, एक बार शाम को भी होती है क्लीनिंग, तो वही मैं कर रही थी। तो मैट वगैरह बिछा रही थी, दिन में सोच रही थी बिछाने के लिए, तो नहीं बिछाई थी। फिर मैंने कहा चलिए अब बिछा देती हूँ, क्योंकि बिना मैट के यहाँ सोफों के सामने थोड़ा खाली सा ही लगता रहता है। मैट बिछ जाती है तो एक थोड़ा सा अलग सा लुक आता है। तो यहाँ पे बस ये मैं बिछा दूंगी मैट, और इसके बाद जो थोड़ी बहुत और क्लीनिंग है, सामान वगैरह इधर उधर करना जो कि मेरा खास काम होता है, वो मैं कर लूंगी। बस ये है कि कुछ भी हो मेंटेन रहनी चाहिए चीज़ें, चाहे 10 बार करनी पड़े। तो यहाँ पे बाहर का करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि बच्चे लेट गए थे, स्कूल गए थे बच्चे, पेपर था इनका, तो उस वजह से फिर बस यहाँ पे आके थोड़ी सी देर लेट जाते हैं, क्योंकि वीडियो 1-2 दिन पुराना है, आज का वीडियो नहीं है। इसलिए तो मुझे एक्यूरेट टाइम, डेट या दिन याद नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी शाम की जो है बेडशीट वगैरह उठा दूंगी, ओढ़ने के जो ब्लैंकेट है वो, क्योंकि एसी चला के लेटते हैं दिन में बच्चे, स्कूल से आने के बाद बाहर से आते हैं तो काफ़ी गर्मी लगती है उनको, तो खाना वाना खा के वो फिर थोड़ी देर लेट जाते हैं, और एसी भी चलाना होता है, फिर ऊपर से इनको चादर भी ओढ़नी होती है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया है ये, मतलब मेरा रूम हो गया है क्लीन, और आज मैं सोच रही थी कि चलिए थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब उन सब के बीच में अपना नहीं ध्यान रखा जाता बिल्कुल भी। और लेडीज तो मोस्टली ऐसी होती हैं कि भाई चलिए पहले घर का काम निपट जाए, अपना हो ना हो। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा बहुत हो गया, क्योंकि देखिए हर चीज़ के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे प्यार करते हैं, सबसे लाड़ करते हैं, सबकी केयर करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन सब के बीच में अपने आप के लिए हम क्या करते हैं ये कोई नहीं सोच पाता उस चीज़ को। तो मैं भी वही है, मेरा भी वैसा ही रहता है, कभी हो गया कभी नहीं हो गया। तो बस मैं भी वही, अब जा आजकल जो है मैं भी अपने ऊपर थोड़ा सा खास ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि भाई देखिए अपना भी ध्यान उतना ही ज़रूरी है जितना, जब हम अपना ध्यान रख पाएंगे उतनी अच्छी तरह फिर हम दूसरों का भी रख पाएंगे, दूसरों के। और सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैं भी अपने लिए फेस मास्क सा लगा के, मैंने कहा चलो जब तक ये सूखेगा तब तक मैं बच्चों के बाल वगैरह बना दूंगी, उनके बालों में ऑयलिंग कर दूंगी। तो वही मैं कर रही थी। ये कहने की बात हो जाती है कि भाई क्या है, कुछ नहीं है, क्या होगा इससे, होता है हर चीज़ से होता है जी, करते हैं तो हर चीज़ से होता है, लेकिन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा। तो मैं तो सभी को ही बोल लूँगी, जो भी लेडीज हैं, चाहे वो वर्किंग है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे बिजनेस वूमन है, या टीचर है, या कोई भी करती है, तो अपनी भी केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी घर की है, जितनी घर के मेंबर्स की है। क्योंकि जब खुद पे आती है तो खुद को ही देखना पड़ता है, या नहीं मानते आप इस चीज़ को? तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रोसेसिंग में मैं भी चल रही हूँ अब, उसमें मेरे बाल हुए, मेरी हेल्थ हुई, मेरा शरीर हुआ, मेरा फेस हुआ, या कुछ भी मान लीजिए, तो हर चीज़ की केयर उसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर ही रही थी तो फ़ोन जो है वो आ गया था मेरी मम्मी का क्या, पापा जी भी थे, दोनों ही थे। तो बस मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, और भी सारी अपने जो काम है वो भी कर रही हूँ। तो वही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो फ़ोन है वो मैं कान पे लगा के बहुत कम बात करती हूँ, तो स्पीकर ऑन ही रहता है, तो काम भी होते रहते हैं साथ के साथ और बात भी होती रहती है। तो बस बच्चों के बाल वगैरह बनाने के बाद जो है मैं, अब जो इतना तब तक मेरा फेस मास्क भी सूख गया था, इतना नहीं था कि मतलब हो गया था, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करती, और आप लोग भी अगर फेस मास्क फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसे बिल्कुल जो एकदम हो जाता है ना कि बिल्कुल सूख गया तब हम जाके धो रहे हैं, वो वाली चीज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे स्किन पे जो है वो आती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्योंकि स्किन जब मास्क सूखता है तो स्किन टाइट हो जाती है, खिंच जाती है सूखने के साथ साथ, और फिर जब हम उससे वॉश करते हैं तो फिर लूज हो जाती है, तो उसकी वजह से फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका फेस मास्क थोड़ा सा, मतलब 80% ही सूखा हो, पूरा 100% भी मत सुखाइए उसको, तो तब जाके आप उसको वॉश कर लीजिए, पूरा ड्राई होने की का वेट मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है, और आप देख भी रहे होंगे कि फ़र्क पड़ता है भाई करने से, कैसे ही कर लो। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो कॉल, पहले वॉइस कॉल होती फिर उसके बाद मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ अपने मम्मी पापा जी के साथ, ये मेरे पापा जी हैं और मम्मी भी साथ में बैठी है। तो यहाँ मैं इन्हें अपने बाल दिखा रही थी, क्योंकि मेरे पापा जी को ना लंबे बाल बहुत पसंद हैं, तो जब मैंने 1-1.5 साल पहले बाल कटवा लिए थे, बहुत छोटे करा लिए थे, शायद आप लोगों को याद हो,
लगभग 2 साल पहले की बात है, जब मैंने बिल्कुल बहुत छोटे बाल करा लेते, जितनी पीहू रूही के भी बड़े हैं इस टाइम बाल मेरे से, तो उस टाइम मैंने बाल कटा लिए थे। उस टाइम ये था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे थे, तो तब मैंने जाके फिर वो बाल उतरवा दिए थे। तो यहाँ पे देखिए ये कृष्णा पता नहीं कितनी बार कपड़े चेंज करता है, तो वही मैं इसके कपड़े भी चेंज कर रही हूँ, और साथ के साथ जो कपड़े धोए हुए रखे थे वो भी मैं तय कर लूंगी। सबसे ज्यादा दिमाग खराब, मैं ये चीज हर बार बोलती हूँ, मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है कि जब ये कपड़े नहीं होते, और सबसे ज्यादा फैला रहा इन्हीं का ही फैलता है। मैं हर चीज खुश होके कर लेती हूँ, हर काम खुश होके कर लेती हूँ घर का, लेकिन जब इन कपड़ों की बारी आती है ना, तो मुझे बहुत आलस आता है। तो मोस्टली इसीलिए जब भी आपको लगे दिखेगा ना कि मैं बहुत सारे कपड़े ही तय कर रही होती हूँ जब भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैंने कहा चल अब नहीं थोड़ी देर में करूंगी, अब नहीं थोड़ी देर में करूंगी, और ये थोड़ी देर करते करते, या थोड़ा अगले दिन करते करते 3-4 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर और ज्यादा टेंशन होती है। मैं इस चीज को बदलना चाहती हूँ, लेकिन चाह के भी मैं इसका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो खैर देखिए जी, जो भी है, चले 3-4 दिन बाद भी कर तो लिए ना, बात हुआ है। तो ये हो गया है अगला दिन, और ये भी शायद दोपहर का के बाद का ही टाइम है। जो गद्दे हैं वो मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे, क्योंकि अब यह मौसम से थोड़ा ठीक है, धूप लग जाती है उनको, तो एक गद्दा मैं सामने वाली बालकनी में डाल देती हूँ और एक गद्दा मैं पिछले वाली बालकनी में डाल देती हूँ, तो धूप लग जाती है अच्छी खासी। सामने की साइड जो धूप आती है वो 10 बजे के करीब तक आती है, उसके बाद फिर बैक साइड में आना धूप शुरू होती है, तो इसीलिए फिर एक बैक साइड में डाल देती हूँ। तो ये हो गया था टाइम, मैंने कहा चलिए अभी जो है बच्चे लेटने से के लिए भी कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर कर लेती हूँ मैं। तो ये गद्दे मैंने डाल दिए हैं, इसके बाद थोड़ी देर बच्चे लेट जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे। और शायद ये कौन सा दिन है मेरे नहीं याद है भाई, तो यहाँ पे मैं फ़ोन पे भी शायद मम्मी से ही बात कर रही होंगी, मम्मी से नहीं तो अपनी सासू माँ से बात कर रही होंगी, मैं किसी ना किसी से तो बात कर रही, क्योंकि मैं ज़्यादातर वैसे ही किसी से बात नहीं हो पाती मेरी इतनी, मैं अपने मम्मी पापा से या अपने ससुराल में ही 2 जगह ही बात करती हूँ बस। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, और शाम का टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 6 बज गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैं पहले क्यों आया हूँ, मैं काम कर रहा था आराम से दुकान पे, तो तभी बच्चों का 4 बजे का फ़ोन बज रहा है कि मम्मी की हो रही है तबीयत ख़राब। तो इन दो की तबीयत ख़राब थी, तबीयत क्या इसको एकदम से हो ही जाता है कुछ बिना, जैसे टेंशन ले ले कुछ बिना तो परेशान सी हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं दवाई लेके आया हूँ, दवाई डॉक्टर आते हैं 6 बजे, लेकिन आज उन्हें फ़ोन करके पहले ही बोला मैं आधा घंटा पहले आ जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो दुकान के ना साथ में है हमारी दुकान, तो जानते हैं, तो बेचारे आ गए। और जब तबीयत खराब हो जाती है ना तो सारा सिस्टम सब बिगड़ जाता है। हालांकि मैं सोच रहा था आज गुड्डू को थोड़ी सी स्कूटरी सिखाऊंगा, लेकिन गुड्डू को तो काम हो गया है नहीं, बैलेंस किस किस ने, अच्छा रोहित ने तो बैलेंस बना रखा है, चलो आज देखता हूँ, ठीक है आज गुड्डू को देखता हूँ चला के, अगर चला सके ठीक है। वहां घुसी जा रही, पहले शर्म लग रही तुझे, इनके तो पैर भी आ गए, फिर भी नहीं चलाती, ठीक है। हाँ तेरे तो पैर भी आ गए सच में, ये भी है हमारे नहीं, ये 4-5 दिन है, 4-5 दिन में तुझे परफेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ धोनी नहीं बेटा, धोलू कहिए, अंकल धो रहे हैं वहाँ पे, इसलिए तू सारा भीग जाएगा। नहीं मैं नहीं, नहीं पहले तो अपनी ये ब्रश रखी यहीं पे ना, वहाँ पे रख, जहाँ पे रखी, हाँ ये नीचे नहीं जाना, नहीं साइकिल धोते नहीं बेटा, वो जंग लग जाएगा उसको, प्लीज रिक्वेस्ट है, मन ना करे। अभी चलाने जाएंगे, मैं अभी गुड्डू दीदी को जाऊंगा चलो लेके ना, ठीक है। तुझे देखी यहाँ पे मैं और पीहू के डैडी जो है वो करने लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, खाना बनाने लगे हैं, जल्दी ही बनाने लग गए थे हम खाना, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये जैसे बताते कि मेरे सर में मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा हो रहा है हिसाब कि जैसे थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो उसकी वजह से ही इतना मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टम सा हिल जाता है, बहुत छोटी सी चीज़ें भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती हैं, तो
मैं पहले भी शायद आप लोगों को बता रही थी कि जो हेडेक है, मतलब सर में जो दर्द है, वो मोस्टली मुझे रहने ही लगा है। बहुत कोशिश करती हूँ नॉर्मल रहूँ, कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस ना लूँ या कुछ ना करूँ, उसके बावजूद भी हो जाता है। और आप लोग बोल रहे थे कि जो मैंने बालों पे ट्रीटमेंट कराया ये उसकी वजह से, नहीं ये उसकी वजह से नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन अब ये हो रहा है कि ये बढ़ रही है। पहले ये था कि इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये बढ़ रही है, और पहले कभी कभार हो जाता था, और अब ऐसा हो रहा है कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे ये दिक्कत हो ही रही है। थोड़ा थोड़ा तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो एकदम से बढ़ जाता है वो वाली दिक्कत हो रही है। तो वो मुझे डॉक्टर भी कह भी रहे थे कि आप एक बार टेस्ट वगैरह करा लो, क्योंकि ये खाली मुझे सर सर में ही नहीं दिक्कत रहती, ये मुझे और भी मतलब बहुत अजीब सा हो रखा है। तो मैं कहा चले जाऊंगी मैं टेस्ट वगैरह कराने के लिए, फिलहाल टाइम नहीं लग पा रहा है, गणपति जी हैं घर में। तो मैं सोच रही थी मैंने कहा जब उसके बाद मैं जाके आऊंगी, जब तक काम चल रहा है चलाती रहूं। ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं कर पाऊंगी, एक होता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें आप रेस्ट कर ले वो चल जाता है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ना तो आप लेट सकते, क्योंकि वो है ही चीज़ वो ख़त्म नहीं हो रही, तो उसमें ना तो लेटा जाता ना बैठा जाता, तो उसमें लगता है कि चलिए बस फिर अपना काम ही कर लेते हैं, कम से कम माइंड डाइवर्ट हुआ रहता है, तो वो वाली चीज़ है। और एक आप शायद पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे यूट्रस में और यूट्रस में भी प्रॉब्लम है बहुत, और एक किडनी में भी मेरी स्टोन है, तो वो जो किडनी वाला जो स्टोन है ना उसकी वजह से भी फिलहाल दिक्कत हो रखी है बहुत, क्योंकि वहाँ पे पेन रहने लगा है, एकदम से हो जाता है, कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार होता है कि कम, मेडिसिन मैं नहीं ले रही हूँ उसकी। दो तीन महीने मैंने खाई थी जब स्टार्टिंग में मुझे सबसे स्टार्ट में पेन हुआ था कि उसका स्टोन का, तब मैंने दवाई खाई थी दो तीन महीने, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैंने कहा चलो ठीक है कुछ नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ वापस से हो रही है एकदम से, कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर बीच में भी मैंने शायद दो तीन दिन, जन्माष्टमी के बाद भी मैंने दो तीन दिन वीडियो में नहीं डाल पाई थी, उस टाइम भी मुझे वही दिक्कत हो रही थी कि पेन हो गया था अचानक से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर मेरे से काम नहीं हुआ। और जिनको शायद स्टोन की प्रॉब्लम है वो समझते होंगे इस चीज़ को कि कितनी प्रॉब्लम होती है किडनी जो पेन होता है उसमें, और यूट्रस में भी दिक्कत है। पर मुझे ये रहता है कि चलिए मेरा काम चल रहा है, दवाई वगैरह से लेने से जैसे भी जितना भी हो जाता है आराम चल रहा है, ये हो जाता है। उसमें ये नहीं है कि भाई बस कभी, कई बार तो होता है कि देखिए बैठना पड़ जाता है या कई दिन का लंबा रेस्ट हो जाता है। और मोस्टली जो मेरे इशू होते हैं वीडियो ना आने के, या वीडियो शूट नहीं होती, या डेली मैं वीडियो नहीं डाल पाती, या मतलब रेगुलर नहीं हो पाता कोई भी काम मेरा, वो इसी वजह से होता है कि मतलब मुझे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। पर ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा, मेरा मेन फोकस जो है वो ये है कि अपना उस टाइम पे जो रेस्ट है मेरा वो मुझे मिल जाए, और उसके बाद फिर जब मैं सही हो जाती हूँ फिर मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ, मैं वीडियो भी फिर अपलोड करती हूँ। लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान जब प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं अपना ये होता है कि खाना बनाना या अपने जो घर के छोटे मोटे काम हैं वही मैं करती हूँ, बाकी वीडियो वगैरह शूट करना या वीडियो अपलोड करना वो वाली सारी चीज़ें मेरे लिए एक साइड हो जाती हैं। आप लोग पूछते हैं भी कि सुनीता के भी बारे में कि जब सुनीता बार बार चली जाती है तो आप उसे क्यों बुलाते हैं बार बार। मैं सही में बताऊं मेरे साथ, मुझे लोगों के साथ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, और बहुत रेयरली मैं किसी के साथ एडजस्ट कर पाती हूँ जब भी कोई घर में आता है या कुछ भी कैसे भी, तो इस वजह से। तो बस सुनीता के साथ ऐसा है मेरा कि वो जब मेरा कृष्णा हुआ था तब से सुनीता मेरे साथ है, इस बीच वो आती रही जाती रही, लेकिन जो एक रिलेशन या एक बॉन्डिंग जो उसके साथ बनी वो है, वो शायद मैं किसी और के साथ बना भी नहीं सकती, ना मेरी बन पाएगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है मेरा किसी के साथ मिलना जुलना या बातचीत करना या कुछ भी। तो वो एक मेरी शायद दिमागी परेशानी भी है कि मैं नहीं कर पाती लोगों के साथ इंटरेक्ट इतना, तो सिर्फ फिर मुझे वही लगता है कि इसके साथ मेरा ठीक है, ये समझती भी है चीज़ों को, या मतलब मैं इसके साथ नॉर्मल होके बात भी कर लेती हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ जो उसके साथ है वो मैं किसी और के साथ बनाऊँ बात मतलब बॉन्डिंग, वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से भी मुझे फिर जब वो आती है तो मैं उसे रख लेती हूँ, जब वो जाती है वो चली जाती है, तो ये है। तो खैर देखिए जी, उसके बाद यहाँ पे ये आई थी सुनीता लेके इन्हें दीदी को अपने साथ, ये लगाती हैं मेहंदी। इसे पता है कि मुझे मेहंदी लगाने का शौक है बहुत, और मैं खुद क्योंकि कर नहीं पा रही हूँ उस काम को, तो इसको मतलब सुनीता का ये है कि ये जानती है कि मुझे क्या दिक्कत है, कैसे है, क्यों है। और तो ये इनको दीदी को लेके आई थी कि दीदी मेहंदी लगवा लो,
मुझे भी मन था मन मेहंदी लगवाने का, तो हालांकि लेट हो गया था, पर जब ये आई तो मैंने कहा चलो भाई लगा दो। ये मुझे बोल के गई थी सुबह के टाइम कि दीदी मैं मेहंदी लगाने के लिए उनको दीदी को लेके आऊंगी। मैंने कहा चलो भाई ले आइयो, मेरा भी मन थोड़ा सा अच्छा हुआ। और ये है भी कि जब आपको लगे कि आपका मन परेशान है या कोई चीज़ है, तो जो काम आपको अच्छा लगता है वो करें, तो उसमें मतलब बहुत हद तक चीज़ें जो है वो हट जाती हैं। और अभी आपको देख के लग भी रहा होगा कि कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। वाकई में ही ऐसा था कि जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो टेंशन बहुत हद तक कम हो गई थी। तो खैर देखिए जी, मेहंदी उन्होंने बहुत सुंदर लगाई थी, हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने लगाई। और बस मेरा, मुझे तो चाहिए कोई मुझे मेहंदी लगाता रहे। जब मैं खुद लगाती थी तो मेरे हाथों पे मेहंदी लगी ही रहती थी, हालांकि अभी थोड़ा मैं नहीं कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दीदी मिल गई हैं तो मैं अभी जब मेरा मन करेगा मैं इनसे मेहंदी लगवा लिया करूँगी। तो जी चलिए, खैर बातें आज हो गई हैं बहुत सारी, वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।